फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेट का पेपर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020। जेट का पेपर है जो कृषि प्रवेशक परीक्षा, जेट की परीक्षा, WAO की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। तो बने रहिए वीडियो पे, और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं, पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवी नत्रजन स्त्रीकरण करता है? सूक्ष्म जीव है जो नत्रजन स्त्रीकरण करता है, तो कौन? इसमें एजिटोबैक्टर है, राइजोबियम है, नीलहरित शैवाल, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सब्जी सोलेनेसी कुल की है? सोलेनेसी कुल की, उसमें बैंगन आता भी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, एक ही ऋतु में एक साथ गेहूं एवं चना की फसल बिना अलग अलग कतार में बोने को कहते हैं, तो मिश्रित फसल कहते हैं। फोर्थ नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें दे वाला हो जाएगा, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो जयपुर बता रखा है, तो ये तबीजी अजमेर में है, इसलिए दे वाला सही नहीं है। पांचवा नंबर, जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? जलवायु ग्रीक भाषा है, इसमें राइट हो जाएगा। प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किसकी उन्नत किस्म है? तो प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की किस्म है। सात नंबर, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी बुआई के बाद और अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है? तो पेंडी मिथेलिन। आठ नंबर, मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं को पालने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको खेती कहते हैं। मूंगफली में लगने वाला रोग कौन सा है? टीका। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है? जर्सी। और 11 नंबर, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान CIAE कहाँ पर स्थापित है? भोपाल में। 12 नंबर, लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है? सह हो जाएगा इसमें निक्सालन। 13 नंबर, गाजर घास है क्या है? ये एक खरपतवार है। 14 नंबर, क्रैकिंग किस प्रकार की मिट्टी की सामान्य विशेषता है? काली मिट्टी। 15 नंबर, निम्न में से किस नत्रजन युक्त उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्व अधिक होते हैं? तो इसमें बे राइट हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। 16 नंबर, कौन सा एक लघु दिवस वाला पौधा है? लघु दिवस वाला चावल। 17 नंबर, निम्न में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसली पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है? बायोफोर्टिफिकेशन। इसमें से राइट हो जाएगा, बायोफोर्टिफिकेशन। 18 नंबर, निरपेक्ष आर्द्रता को किस में दर्शाया जाता है? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा एक तनाव हार्मोन है? तनाव हार्मोन ABA। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि सूखे क्षेत्रों के लिए अधिक प्रयुक्त होती है? तो सूखे क्षेत्रों के लिए बूंद बूंद सिंचाई, फुहारा या बौछारी सिंचाई विधि। तो द इसमें राइट हो जाएगा। 21 नंबर, निम्न में से कौन सी पपीते की किस्म है? पपीते की किस्म पूसा नन्हा। पपीते की किस्म है जो पूसा नन्हा है, ए इसमें राइट हो जाएगा। इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है? इसबगोल को प्लांटेगो ओवेटा कहते हैं, इसका वानस्पतिक नाम है इसबगोल का प्लांटेगो ओवेटा। 23 नंबर, निम्न में से किस फसल के दानों से गम पैदा होता है? गम यानी गोंद, तो ग्वार से। लाइकेन किस वायु संदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? लाइकेन N2O। निम्न में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? जेली के लिए अमरूद, और जेम आ जाए तो जेम के लिए सेव। 26 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें ए राइट हो जाएगा, प्लांटेशन फसल चावल, ए इसमें राइट। 27 नंबर, ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है? तो गणकंद द्वारा। 28 नंबर, निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? तो भेड़ की नहीं, तो बीकानेरी नहीं, बीकानेरी ऊँट की है, द इसमें राइट हो जाएगा। 29 नंबर, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? लोहा। 30 नंबर,
निम्न में से कौन सी मृदा में सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है? तो बलुई दोमट मृदा में। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार लगा हुआ है, अर्थात इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। 31 नंबर, 31 नंबर को भी डिलीट किया गया था। निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका है जो ज़्यादा ढलान में मिट्टी के कटाव को कम करता है? इसको भी डिलीट किया गया। 32 नंबर, निम्न में से कौन सी रबी ऋतु की फसल है? चना। 33 नंबर, निम्न में से कौन सा कृषि यंत्र प्राथमिक भू परिष्करण के काम आता है? कल्टीवेटर, द्वितीयक रोटावेटर। 34 नंबर, निम्न में से कौन सा मिट्टी बनाने का कारक है जिसमें ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं? इसको भी डिलीट किया गया। 35 नंबर, निम्न में से किस पशु के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो भेड़ में होती है, जो 8 से 9% होती है। 36 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बे इसमें राइट हो जाएगा, शकरकंद, चिनोपोडियेसी, ये गलत है। 37 नंबर, निम्न में से कौन सी खेती है जहाँ किसान फसलों को उगाने के लिए कोई सिंचाई नहीं करता है और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहता है? सूखी खेती। मृदा में रंध्रावकाश प्रतिशत कितना होगा यदि स्थूल घनत्व 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, घन कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है? तो इसमें 53 राइट होगा, वह इसमें हो जाएगा। 39 नंबर, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व धनायन व ऋणायन दोनों रूपों में पौधे अवशोषित करते हैं? नत्रजन। स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है? तो इसको में भी स्टार लगाया हुआ है, अर्थात इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सभी जेड के पुराने पेपर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस चैनल पर आपको सभी जेड के पुराने पेपर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सभी पुराने पेपर, WO और ICAR के पेपर इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।